नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, खबर रोहतास से। रोहतास विक्रमगंज के अंजवी सिंह कॉलेज में हुए मैट्रिक की अंतिम परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या क्या रही? यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन की निगरानी में परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा दिया गया। अंजवी सिंह कॉलेज के वर्तमान प्रभारी प्रधानाचार्य आर भारत टीवी चैनल के जिला रिपोर्टर अक्षय बच्चन से क्या बातचीत किए। हम इस कॉलेज विक्रमगंज के वर्तमान में प्रभारी प्रधानाचार्य हैं, और जिस संदर्भ में आप जानना चाहते हैं जी, मैट्रिक एग्जाम के लेकर उसका हम केंद्र अध्यक्ष हैं जी। तो ये बताइए कि जो लास्ट परीक्षा है, परीक्षार्थियों के यहाँ पर संख्या क्या थी? देखिए, लास्ट परीक्षा हमारे यहाँ 24 तक था, लेकिन 24 के दोनों सीटिंग में हमारे यहाँ एक भी परीक्षार्थी शामिल नहीं हुए हैं जी। उस दृष्टिकोण से 23/2 को हमारे यहाँ माने जो एग्जाम हुआ है व्यवहारिक तौर पर उसी को लास्ट माना जाएगा। तो उसमें फर्स्ट सीटिंग में हमारे यहाँ टोटल परीक्षार्थी की संख्या, छात्राओं की संख्या थी 586 जी, जिसमें कि एब्सेंट थे 7 और प्रेजेंट परीक्षार्थियों की संख्या 579 है जी। और सेकेंड सीटिंग में टोटल हमारे यहाँ परीक्षार्थी की संख्या है 584, जिसमें एब्सेंट हैं 8 और प्रेजेंट हैं 576 जी। यानी टोटल आपके पास परीक्षार्थियों की संख्या, हाँ, टोटल हमारे यहाँ परीक्षार्थियों की संख्या दोनों सीटिंग मिलाकर 1175 था, लेकिन 23 तारीख के परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या माने 1170 थी। मैंने उस दिन परीक्षा इतना था, लेकिन उसमें प्रेजेंट में जो हम बता दिए हैं आपको, जो एब्सेंट हुए दोनों सीटिंग का हम आपको देते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पढ़ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है। थोड़ा तेज बोलिए। मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है, मैं ग्राम डीगरा का निवासी हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या करने आए हैं आप? हम अभी मेजबान का एग्जाम था, एग्जाम दिलवाना है, बन के एग्जाम दिलवाने। ये बताइए कि कोरोना काल में पढ़ाई तो बहुत कम हुआ है, फिर भी परीक्षा ये लोग दे रही हैं, क्या सफल हो जाएंगी? हाँ, हो जाएंगी, जहाँ तक उम्मीद है। अभी मतलब कुछ महीने तक लॉकडाउन हुआ, फिर भी पढ़ाई बाधित नहीं हुआ, पढ़ाई उसके चला घर पे लगातार। अच्छा, कैसे पढ़ाई चल रहा था? ऑनलाइन भी चल रहा था पढ़ाई, और ऑफलाइन में मैं भी पढ़ा रहा था। मैं क्लास 12 का छात्र हूं, अभी एग्जाम मैंने भी सर दिया, उसको पढ़ा रहा था। उम्मीद है? यस सर, उम्मीद है। उम्मीद क्या है, आज लॉकडाउन में आधा कुछ लॉकडाउन में सब पूरा खत्म हो गया। लॉकडाउन पूरा खत्म हो गया है? लॉकडाउन में कि पूरा छात्र का, मेरा भी अभी कॉलेज बंद था। अच्छा अच्छा, बीटेक एग्रीकल्चर के छात्र हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा कॉलेज अभी बंद हो गया था, फिर अभी खुला है, तो फर्स्ट सेमेस्टर अभी चल रहा है। तो बताइए कि 2021 में हम एडमिशन कराए हैं, 22 में मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक साल हम सबका पीछे चल रहा है। अच्छा, मेरा भी एक साल पीछे चल रहा है, एक साल हम लोग का बर्बाद हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। लॉकडाउन के कारण सबको बर्बादी हुई है, मेरा भी बर्बाद हुआ, मतलब सब देशवासियों को बर्बाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो बोर्ड के एग्जाम हो रहा है यहाँ पर, तो क्या इसमें जो छात्र छात्राएं जो परीक्षा दे रहे हैं, उसका उम्मीद क्या लगाया जा सकता है? उम्मीद यही है, उम्मीद क्या लगाया जाए, मतलब अपने आप पर डिपेंड है सब, जो अच्छा है। चलिए, बहुत
लाइन में हो जाओ, ए पीछे वाली सब लाइन में हो जाओ। चलो 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 लाइन में, चलो लाइन में चलो। लाइन में पहले की देखिए क्या नाम है आपका? अनीता कुमारी। कहाँ के रहने वाली हैं? अच्छा, अभी आप जो परीक्षा दे रही हैं यहाँ पर, कैसा परीक्षा आपका जा रहा है? अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है। अंदर में चीटिंग हो रहा है? नहीं, अंदर हम चीट नहीं लेने जा रहे। अच्छा, चीटिंग नहीं हो रहा है। ये बताइए कि आप लोग कोरोना काल में पढ़ाई तो बहुत ही कम हुआ है, फिर भी आप लोग परीक्षा दे रहे हैं? लिखा जा रहा है? जी, क्वेश्चन कैसा आ रहा है? क्वेश्चन भारी भारी आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, कैसा परीक्षा आपका चल रहा है? कैसा परीक्षा चल रहा है? अच्छा परीक्षा चल रहा है। कहाँ के हैं आप? राजपुर। अच्छा, आज कौन सा विषय है? संस्कृत। लास्ट विषय कब है? आज ही। आज ही लास्ट है। जब पढ़ाई हुआ नहीं तो फिर परीक्षा देने में कोई दिक्कत? आप लोग आइए। हुआ है पढ़ाई, कोरोना काल में तो पढ़ाई बहुत कम हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? निभा कुमारी। निभा कुमारी, मैट्रिक का परीक्षा कैसा गया आपका? अच्छा गया। अच्छा गया। किस विद्यालय में सेंटर पड़ा था? इंदु तपेश्वर। कहाँ पर है ये? विक्रमगंज में है। विक्रमगंज में। अच्छा, ये जानकारी दीजिए कि कोरोना काल में विद्यालय बंद था तो आप लोग पढ़ाई कैसे किए हैं? घर पे बैठकर। घर पर बैठकर। और क्या उम्मीद क्या लगा रही है परीक्षा देने के बाद? अच्छा उम्मीद है। अच्छा उम्मीद है। चलिए।